तो आज करते हैं पहलगाम की सैर। तो चलिए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। तो अब हम निकले हैं घूमने पहलगाम मार्केट। यहाँ पर मैं ठंडी ठंडी हवाओं से बात करते हुए अपनी फैमिली के साथ मैगी एंजॉय कर रही हूँ। ये है कश्मीर के स्पेशल सेसमी कुकीज, जो खाने में बहुत ही मजेदार थे, बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची थे, हमने बहुत एंजॉय किए। सो अब हम पहुंच गए हैं आरू वैली। चारों तरफ यहाँ पे बर्फीले पहाड़ का नजारा देखने में बहुत मजा आ रहा है। पूरी फैमिली है साथ में। इन बर्फीले पहाड़ों पे मेरा नाचने का बहुत मन कर रहा है। बर्फ के गोले बना बना के उसे तोड़ने में पता नहीं क्या मजा आ रहा है, बट इट इज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये है मेरा बेटा नरेन, जो इन बर्फ के पहाड़ों को प्लेग्राउंड समझ के खेल रहा है, बर्फ के गोले बना बना के अपने डैड के ऊपर डाल रहा है। सो अब हम अपनी ट्रैवलर कार में जा रहे हैं चंदनवाली। यहाँ पे बहुत ही रोड छोटा सा है एंड दोनों तरफ से बर्फ के पहाड़, ठंडी ठंडी वादियाँ और ये बीच में बहती हुई हल्की सी नदी, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा अपीलिंग हमारी आंखों के लिए, हमारे सोल के लिए। इट वॉज अ रियली रिलैक्सिंग टू फील। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हेवन है तो इट्स कश्मीर। हम यहाँ पे पहलगाम से 14 किलोमीटर पे ऊपर चढ़ के आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे बर्फीले पहाड़, पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। पूरी फैमिली के साथ है हम यहाँ पे। नरेन को इन बर्फीले पहाड़ों में स्लाइड करने में बहुत मजा आ रहा था। ही वॉज सो हैप्पी। ये है मेरा बड़ा बेटा धीरेन, जो बर्फ के बहुत ज्यादा ही मजे ले रहा है। अब चंदनवाली से एंजॉय करते हुए हम पहुंचने वाले हैं, वी आर ऑन द वे टू बेताब वैली। चलिए चलते हैं। बेताब वैली हम पहुंच गए हैं। चारों तरफ ये घना जंगल दिखाई दे रहा था और बीच में थी ये बहती हुई नदी, वेरी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ आकर हमें पता चला कि सनी देओल की डेब्यू फर्स्ट मूवी बेताब की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, इसलिए इस वैली का नाम बेताब वैली कहा गया है। अमृता सिंह एंड सनी देओल ने यहीं पर एक टेंट बनाई थी जहाँ पे वो रह रहे थे। वो उस मूवी में ये टेंट दिखाई हुई है, वो इसी बेताब वैली में उन्होंने बनाई थी। इस बेताब वैली के ठंडे ठंडे मौसम में हमने एंजॉय की ठंडी ठंडी सॉफ्टी आइसक्रीम, ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वेनिला। वाव। सो अब हम पहुंच गए हैं अवंती स्वामी टेंपल। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। दो शेर हिफाजत के लिए, जहाँ भी हम विष्णु जी का मंदिर देखते हैं लोटस फ्लावर से बना हुआ आपको नजर आएगा।
और खासकर कश्मीर में जो भी आप देखोगे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा मना देगी। और ये है सर नवग्रह, नवग्रह यहाँ पर। और खास कर जब ये मंदिर बनाया गया है, इसमें कोई सीमेंट सीमेंट नहीं लगा है। और इस शहर का नाम 1200 साल पहले था अवंतिकापुर, और इसे कश्मीर का कैपिटल भी कहा जाता था। वैसे अब तो कैपिटल श्रीनगर है, लेकिन 1200 साल पहले ये अवंतिकापुर ही कैपिटल था। एंड ये लॉर्ड विष्णु का मंदिर है। सो अब अपनी ट्रैवलर कार में बैठकर हम पहुंच गए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार। यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड ये पर्सेस आप देख सकते हैं, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की हुई पर्सेस थी। और ये काफ़ी सारे शो पीसेस, ये सारे शो पीसेस जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैंड क्राफ्टेड थे, हैंडमेड थे। दिखने में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही अच्छी कलाकारी थी। एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जर्व करने जैसी थी। ये काफ़ी सारे कलरफुल छोटे छोटे बॉल्स, कलरफुल वासेस, डिज़ाइनर वासेस जो आप अपने डाइनिंग हॉल में डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, लार्ज साइज, बिग साइज। यहाँ पे काफी अच्छे वुडन यूटेंसिल्स भी मिल रहे थे। वुडन यूटेंसिल्स मोस्टली बेकिंग डिश रखने में बहुत ही डेकोरेटिव लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप पफ्स या ब्रेड्स बना रहे हैं, ये वुडन ट्रेज, इस पे कश्मीर लिखा हुआ, ये भी काफी मजे की लग रही थी, बहुत डेकोरेटिव लग रही थी। वुडन यूटेंसिल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार से हमने काफी डिजाइनर बेडशीट्स खरीदी। तो अब हम आ पहुंचे हैं बैट फैक्ट्री में। यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैट्स कैसे बनती हैं, ये क्रिकेट में यूज होती हैं। अलग अलग साइजेस की यहाँ पे बैट्स बन रही थी, छोटी एंड बड़ी। काफी अच्छी बैट्स लगाई हुई थी डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतनी सारी बैट्स लगाई हुई हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, आप इन्हें खरीद भी सकते। तो फ्रेंड्स अब शाम हो चुकी है, हमारा सफर यहीं पे ख़त्म होता है। और हम वापस जाने के लिए निकले थे बैक टू होटल पहलगाम, जहाँ से हम चेकआउट करेंगे कल सुबह। सुबह हम निकलेंगे एंड शाम तक हम गुलमर्ग पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा पार्ट 3 व्लॉग इन गुलमर्ग। सो बाय।